अगर कोई आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है तो उसे गिरफ्तार करने की बजाय नोटिस भेजकर बुलाया जाना चाहिए। अंतिल के मामले में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इन प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखते हैं अर्णेश कुमार दिशा निर्देश, अर्णेश कुमार गाइडलाइंस। अर्णेश कुमार केस में दिए गए फैसले में अदालत ने गैर जरूरी गिरफ्तारियों को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। अंतिल के मामले में सुप्रीम कोर्ट को ये देखना था कि क्या इन दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है, खासकर उन मामलों में जहां आरोपियों के फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना कम हो। सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण, द सुप्रीम कोर्ट्स एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रणाली में मौजूद खामियों को ध्यान से देखा और उन क्षेत्रों की पहचान की जहां न्यायपालिका और जांच एजेंसियों ने आरोपी के अधिकार की रक्षा नहीं की। अदालत ने जमानत सुनवाई में देरी को एक बड़ी समस्या के रूप में पहचाना और कहा कि इसका सीधा असर आरोपी के मौलिक अधिकार पर पड़ता है। आरोप पत्र दाखिल करने में देरी और जमानत आवेदनों की सुनवाई में आवश्यक विलंब आर्टिकल 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। प्रक्रियात्मक सुरक्षा का अनुपालन ना होना, यानी नॉन कंप्लायंस विद प्रोसीजरल सेफगार्ड। कोर्ट ने देखा कि जांच अधिकारी अक्सर सीआरपीसी की धारा 41 और 41A के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं, जिससे गैर जरूरी गिरफ्तारियां होती हैं। इस कानूनी सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करने के कारण कई बार आरोपी बेवजह ही हिरासत में रहता है। अदालतों का सही तरीके से काम ना करना, यानी फेलियर ऑफ कोर्ट्स टू एक्ट। कोर्ट ने निचली न्यायपालिका की भी आलोचना की और कहा कि अदालतें कई बार जमानत के लिए औपचारिक आवेदन मांगती हैं, जबकि सीआरपीसी की धारा 88 और 170 के तहत स्वयं जमानत दी जानी चाहिए थी। ये तब होता है जब सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं और औपचारिक जमानत की आवश्यकता नहीं होती। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए ताकि जमानत प्रावधानों को ठीक से लागू किया जा सके। फैसले के कुछ मुख्य बिंदु इस तरह हैं, जैसे सीआरपीसी के प्रावधानों का कड़ाई से पालन, स्ट्रिक्ट एडरेंस टू द सीआरपीसी गाइडलाइंस। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 41 और 41A के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। गिरफ्तारी तभी होनी चाहिए जब ये अनिवार्य हो और जो आरोपी जांच में सहयोग कर रहे हैं उन्हें धारा 41A के तहत नोटिस दिया जाना चाहिए। जमानत एक नियम है, उपवाद नहीं। बेल इज अ रूल एंड नॉट एन एक्सेप्शन। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मामूली अपराधों में जमानत को नियम के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि अपवाद के रूप में। जहां जमानत के लिए सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं, वहां औपचारिक जमानत आवेदन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस फैसले ने सीआरपीसी की धारा 167 सब क्लॉज 2 के तहत डिफॉल्ट जमानत यानी डिफॉल्ट बेल की अवधारणा को भी विस्तारित किया, जिसमें कहा गया कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी नहीं होती तो आरोपी जमानत का हकदार होता है। जमानत आवेदनों का समय पर निपटारा, टाइमली डिस्पोजल ऑफ बेल एप्लीकेशंस। अदालतों ने निर्देश दिया कि सभी जमानत आवेदनों का एक उचित समय सीमा के भीतर निपटारा होना चाहिए ताकि आरोपी की स्वतंत्रता को खतरे में ना डाला जाए। फैसले में ये भी कहा गया कि निचली अदालतें बिना वजह जमानत सुनवाई को टाले नहीं। प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारियां, अदालत ने सार्वजनिक प्रोसिक्यूटर यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स पर भी जिम्मेदारी डाली कि वे अदालत के सामने सही कानूनी स्थिति प्रस्तुत करें। प्रोसिक्यूटर्स अब ये सुनिश्चित करें कि वह जमानत से संबंधित कानून और दिशा निर्देशों से अपडेटेड रहें और किसी आरोपी को अनावश्यक रूप से हिरासत में ना रखा जाए। विशेष अदालतों का गठन उन राज्यों में जहां जमानत आवेदनों का भारी बोझ है, कोर्ट ने विशेष अदालतों यानी स्पेशल कोर्ट गठित करने की भी बात कही। ये विशेष रूप से उन राज्यों में लागू होगा जहां विचाराधीन कैदियों की